यस वी कैन, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। स्टडी विद मोटिवेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हियर दिस इज पलाश यादव। लाइफ में सब लोग बोलते हैं आपसे कि ईमानदार नहीं बनना चाहिए, चालाक बनना चाहिए। ऑनेस्ट लोग हमेशा बहुत कठिनाइयों से वो बिलोंग करते हैं। आज यही जानेंगे, आज का टॉपिक यही है कि ऑनेस्ट बने कि चालाक बने, इसी के ऊपर आज पूरा वीडियो हैगा। बाय भगवत गीता कृष्ण का मैसेज कि ईमानदार बने कि चालाक बने, आइए जानते हैं। कृष्ण कह रहे हैं जिंदगी में ईमानदार लोग अकलमंद होने के, जिंदगी में ईमानदार लोग अकलमंद होने के बावजूद भी धोखा क्यों खा जाते हैं? क्योंकि वो अपनी तरह दूसरों को भी ईमानदार होने का विश्वास कर बैठते हैं। इसलिए ईमानदार लोग, आप जितने भी ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट वही है जो अपने अकल से, अपने माइंड से किसी भी सामने वाले को परख ले, जांच ले कि विच टाइप ऑफ पर्सन इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट मैसेज बिलीफ सिस्टम के बारे में कृष्ण कह रहे हैं, खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिए। क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि जो आपके साथ आज होगा वो कल भी आपके साथ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं सर, कभी कौन धोखा दे। यही था आज का इंस्पिरेशन भरा मैसेज आप सभी लोगों के लिए। ईमानदार बने या चालाक बने, इसके ऊपर पूरा वीडियो लेक्चर आपने देखा। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। तब तक के लिए आपका प्रेम हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। और यू कैन डू इट, यस वी कैन। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए।